नगर निगम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बरसात का सीजन चल रहा है जिसके अंदर कई बिल्डिंग है मेरे वार्ड के अंदर। नगर निगम अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बरसात का सीजन चल रहा है जिसके अंदर कई बिल्डिंग है मेरे वार्ड के अंदर जर्जर अवस्था के अंदर है। कायस्थ मोहल्ले के अंदर आदेश कायस्थ मोहल्ले में आधे से ज़्यादा बिल्डिंग है जर्जर हो रखी है। नया बाजार के अंदर बादशाह बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो रखी है। उसके अंदर गैप आ चुका है। मेन बाजार है उसके अंदर कभी भी हादसा हो सकता है। मिठलाल के चौक के अंदर है वो एक ऐसी हवेली है जिसके अंदर वहाँ आदमी रहते हैं, कभी जान माल की हानि हो सकती है। पूर्व के अंदर भी अगले साल भी मैंने उसमें शिकायतें दी थी जिसके अंदर 30 आदमियों को नोटिस दिया गया था। पहले भी पटली कटले में हादसा हो गया, नहर मोहल्ले में हादसा हो गया, वहाँ बिल्डिंग गिर गई। पर अभी नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर कोई भी जू नहीं रंग रही है। नोटिस भी दिए बताओ ऐसा, पहले 30 नोटिस दिए, अभी फिर नोटिस की कार्रवाई चल रही है। खाली ये नोटिस तक ही सीमित रह जाते हैं और नोटिस के आगे इनका कोई काम नहीं होता। आगे जिस दिन हादसा हो जाता है, जनमाल की हानि हो जाती है, उस दिन प्रशासन चेतता थोड़ी देर के लिए बस। उसके अंदर पार्षद की इमेज खराब होती है, पार्षद को गालियां मिलती है, पार्षद को कहते हैं लोबा कि आए काम नहीं करते हो। हमने कई बार चिन्हित करवा दिया, कई बार शिकायतें दिलवा दी। पिछली बार भी मैंने 30 शिकायतें दर्ज करवाई है फाइलें बना के, वो फाइलें अभी भी नीचे दबा दी गई है बस। क्यों नहीं कर रहे नगर निगम का? अब इसका कारण तो अधिकारी बतावें, अधिकारियों कई बार कह चुके हैं, अधिकारी कोई जू ही नहीं रंगती है। अभी फिलहाल भी इंस्पेक्टर के द्वारा मैंने शिकायत दर्ज करवाई है 2-3 और। ये अजमेर एक पुराना शहर है, पुरानी बसावट है, कई सैकड़ों साल की बसावट यहाँ पर है और कई क्षेत्र हमारे इस प्रकार के हैं जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग से जो लंबे समय से बनी हुई है, बंद होने से, रहवास नहीं होने से, उसमें उनका उपयोग नहीं होने से और लगातार बरसात और इस प्रकार का जो मौसम रहता है उसके कारण से बिल्डिंग को गिरने का खतरा रहता है। नगर निगम ऐसी बिल्डिंगें चिन्हित करके और जिस प्रकार की जानकारी या शिकायत कंप्लेन वहाँ आसपास में रहने वालों की आती है उन पर कार्रवाई करता है, उनको नोटिस दिया जाता है और नोटिस दे करके स्वयं अपने स्तर पर वो हटाएँ इसकी उनको निर्देशित किया जाता है। अगर वो नहीं हटाते हैं तो नगर निगम जा करके कार्रवाई करके उनको हटा करके उनसे जो भी रिकवरी होनी थी वो रिकवरी करता है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि लंबे समय से अजमेर नगर निगम में इस प्रकार की कई बिल्डिंगों से शिकायत आई हुई है, उनमें से कई बहुत बुरी स्थिति में, जर्जर स्थिति में, गिरने की स्थिति में है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पर निश्चित रूप से जल्द हम निर्देशित करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स है जो गिराने में गिराना जरूरी लेकिन गिरा नहीं पा रहे हैं, या कई जगह उसमें एक चीज़ और ध्यान में आती है कि लिटिगेशन कई जगह चल रहे होते हैं, कई जगह किराएदार उसमें नीचे रह रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई उसमें पेंडिंग है, कोर्ट का स्टे है, तो इनको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है उन पर त्वरित गति से कार्रवाई हो जिससे कि जान माल की हानि ना हो, जनहानि ना हो और इस प्रकार से उसकी निश्चितता पर बनी रहे। अजमेर नगर निगम क्षेत्र में लगभग अभी 70 के आसपास जर्जर भवन है जिनके लिए हमने नोटिस दिए हुए हैं, उनके भवन स्वामियों को पाबंद किया गया है, उनकी मरम्मत करें, उनको सुरक्षित करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अजमेर में जो है, जो जर्जर भवन है उनमें किराएदारी प्रॉब्लम है, आपके कोर्ट केस की प्रॉब्लम है, जिससे सीधे नगर निगम कार्रवाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोशिश ये है कि काफ़ी हमने मरम्मत करा के सुरक्षित करा दिए गए, शेष को भी नोटिस देके और कार्रवाई करके उनको सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए। हाँ, नोटिस के जो दिए कई ने उस नोटिस के आधार पर मरम्मत कराई है, लेकिन कई ने ये नोटिस में लिखा है कि हमारा किराएदार खाली नहीं कर रहा, हमारा मकान मालिक मरम्मत नहीं कर रहा, इस तरह की कुछ समस्या ज़रूर आई है, लेकिन उनका भी कोई ना कोई समाधान करके कर रहा है। अगर लोग नहीं मानते तो पूरी विधिक प्रक्रिया अपना के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।